रिटायर्ड फौजी का होगा लाइसेंस निरस्त, कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर। तहसील सिरमौर अंतर्गत ग्राम नकटा पटवारी हल्का दिल्ली अंतर्गत दिनांक 16 जून को न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त बैकुंठपुर द्वारा पारित शासकीय भूमि से बेदखली आदेश के क्रियान्वयन हेतु राजस्व निरीक्षक बैकुंठपुर पटवारी हल्का दिल्ली उपस्थित हुए। अतिक्रामक चंद्रमौल शुक्ला पिता धामा शुक्ला द्वारा गाली गलौज करते हुए अपने घर की छत पर जाकर 12 बोर की बंदूक से जेसीबी चालक पर फायर कर दिया। गोली जेसीबी पर जाकर लगी और गोली से निकले छर्रे से चालक घायल हो गया। आरोपी अतिक्रामक चंद्रमौल शुक्ला के विरुद्ध थाना बैकुंठपुर में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 307, 353, 332 और 294 कायमी की गई है। साथ ही आरोपी के शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल द्वारा दिए गए। आइए सुनते हैं कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या कुछ कहा। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। बैकुंठपुर का एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें सीमांकन करने के लिए जो राजस्व की टीम मौके पर गई थी उनके साथ में जो सीमांकन जिन पक्षों के होने थे एक पक्ष द्वारा झगड़ा किया गया और उसके बाद ये पाया गया कि उन्होंने अपनी बंदूक से गोली भी चलाई जिसके कारण से एक जो जेसीबी के ड्राइवर थे उनको थोड़ी सी हल्की चोट भी आई थी। उनका बाद में परीक्षण कराया गया और उनको एडमिट भी कराया गया। FIR दर्ज हुई है इस केस में। आगे हम लोग जो बंदूक के लाइसेंस है उसका भी प्रतिवेदन SDM भेज रहे हैं, वो भी निरस्त करेंगे। साथ ही राजस्व के हमले पर जिन लोगों ने इस तरीके की गतिविधि में लिप्त हैं उनका ये भी संज्ञान में आया है कि उन्होंने कुछ लोगों की ज़मीनों पर कब्जा भी किया गया है, उसकी भी जाँच कराई जा रही है। तो शासकीय कार्य में बाधा डालने का किसी व्यक्ति द्वारा इस तरीके से प्रयास किया जाएगा, इससे ये भी प्रूव होता है कि यदि राजस्व अमले के साथ इस तरीके की घटना हो रही है तो वहाँ पर जो रास्ता खुलवाना या सीमांकन का जो विवाद था वो कितना गंभीर होगा। तो ऐसे जो नावेदक हैं इनके खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।